कश्मीर, तुम इतने खूबसूरत हो कैसे? Running far away, would I run off the world someday? Nobody knows, nobody knows. I was dancing in the rain. And start. This Kashmir story will be simple, fun, adventure से भरपूर and beautiful. पर यहाँ पर एक सवाल. मेरे dear कश्मीर, तुम इतने खूबसूरत हो कैसे? और इसी सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हम सफर के स्टार्ट पे जाते हैं. इस कहानी का बकायदा शुरुआत करेंगे भेरे से, जिस वक्त मैं यहाँ मौजूद हूँ और इस वक्त सनराइज फजर का वक्त है. ये हमारे मदनी बॉयज माशाल्लाह नमाज पढ़ के आ गए और अब हम माल खा गया. तो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, हमारी एक कोस्टर खराब हो गई और उसके बच्चों को उठाने के लिए हमारी कोस्टर गई है और हमारे लिए कोस्टर इस्लामाबाद से आ रही है. हाँ, ऊपर ही जा रहे हैं. थैंक यू सर फॉर द आइडिया. आपको मैं इस यहीं पे लेके आ रहा. आई मस्ट से कि क्या बात है, क्या बात है. बस के इंतजार में अब मेरी बस हो गई है. मैं सोने जा रहा हूँ यहीं पे खास कर. मैं अभी अभी उठाऊँ. जलील की सुपर लेडी फॉर्म चल रही है जलालत की. सूरज जितना चढ़ गया और हमारी बस आ चुकी है. अब लगता है बस में जाके मैं सोऊंगा ही. इरादा मेरा सोने का ही था लेकिन भेरा से इस्लामाबाद इतनी जल्दी कैसे पहुंचे पता ही नहीं चला. और इस शहर की तो क्या ही बातें हैं, यकीन करो. Welcome to our new vlog. We are here with Hassan Yusuf, the goat of belonging of Nishtar. और यूं ही सोते जागते उल्टे सीधे होते हम पहुंच गए थे नाश्ते के लिए. Here we have एक नाश्ते का स्टॉप. जगह का नाम नहीं मुझे पता लेकिन हम यहाँ पे नाश्ते का स्टॉप कर रहे हैं. अभी हम मुजफ्फराबाद से तकरीबन 59 किलोमीटर दूर है. नाश्ता करने से हमारी एनर्जी रिस्टोर हुई और वो डेड सी वाइब खत्म हो गई और कुछ ही देर में हम ऑफिशियली कश्मीर में एंटर हो गए. फिर आया मुजफ्फराबाद और हमें बताया गया कि पंचगड़ा वाटरफॉल पे हमारा अगला स्टॉप होगा. थोड़े सीन्स एंजॉय किए और कुछ दोस्तों की कंपनी और फिर हम पहुंच गए पंचगड़ा वाटरफॉल. बहुत ही प्यारी स्मार्ट सी आबशार, इस एंगल से तो खैर बड़ी लग रही है और पानी बहुत ही शफाफ, मतलब कैमरा इस वक्त पानी के अंदर पड़ा है. अभी एक लम्हे धूप थी, देखते ही देखते दूसरे लम्हे बारिश होने लगी. दोबारा बस में सवार हुए और चल दिए इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान लाइन ऑफ कंट्रोल पे. जो भी रीजन थी, इनकी एनर्जी कम होने का नाम नहीं ले रही. असर के बाद हम पहुंच गए एलओसी पे. कश्मीर एलओसी भी अलग ही जगह है. उस जगह जाके लगता ही नहीं कि पाकिस्तान रोनिया में वाकई इतनी हाई टेंशन रहती हैं. दिस इज मी, दिस इज माय क्रू और वो रहा इंडिया और हम इधर कश्मीर में एलओसी पे आए हैं. दिस चाय इज स्पॉन्सर्ड बाय
द ग्रेट यजदान साजिद, अगर आपका सुपर विलन आर खत्म हो गया तो आ जाए। कांट बिलीव के वो इंडिया और ये पाकिस्तान है, लाइक लिटरली यार। अब बस एलओसी के बाद हमें अपने होटल ही जाना था। और फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह पूरे 24 घंटे बाद हम अपने ट्रिप की पहली प्रॉपर डेस्टिनेशन पर पहुंच गए थे। एक होटल बहुत जल्दी भर गया था तो हम दूसरे में शिफ्ट हो गए। वो पिछले वाला इट गॉट फिल्ड अप प्रीटी लाइक सून क्विकली। अब हम यहाँ पे नए वाले पे बहुत खुश है रूम देख के। प्यार हो गए, खाना खाने जा रहे हैं। और वो हमारा एक और व्लॉगर भी यार, ये क्या, ये वो बेचारा व्लॉगर्स पैराडॉक्स में फंस गया। अनस, हेलो सर, आप बहुत बड़े फैन हूँ आप। सर आप कौन है? सर मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ यार। आ जाओ, आप हमें खाने की लेट हो गई है, दूसरे शिफ्ट में पहुँचेंगे खाने की। हसन अनस भाई क्या कह रहे थे हमें कि हम दोनों किस लिए ट्रिप पे जा रहे हैं, कि हमें कंटेंट मिलेगा। और आप बैठा, मैं वीडियो एडिट कर रहा हूँ, वो भी वीडियो एडिट कर रहा है, तो इन जनाब जी को मसला हो रहा है कि तुम लोग क्या करने आए इधर, यही करना है तो यही करेंगे ना। पहला, तीसरा, दूसरा, अच्छा मैं तीसरा हूँ, मुझे पता ही नहीं था। खाना वाज अल्हम्दुलिल्लाह वेरी नाइस ब्रो, इट्स गुड माशाल्लाह। ये खाना खाने के बाद ये तस्वीरें बनाने खड़े हो गए, पता नहीं इनका क्या मसला है, ये हर जगह क्यों तस्वीरें बनाने खड़े हो जाते हैं पता नहीं क्यों। ये किसी की गाड़ी पे खड़े होकर बना रहे हैं, इनको इतनी भी शर्म नहीं आ रही। अब मैंने कैमरा उठा लिया और मैंने रील भी अपलोड करनी थी क्योंकि नेट पूरे दिन के बाद अब अवेलेबल हुआ था। अब मैं जाके ज़रा वो तस्वीर कैप्चर करता हूँ जो कि कैप्चर करने का मुझे बहुत ज़्यादा इंतज़ार है। और इस तस्वीर का क्रेडिट उस्मान काजी को जाता है। क्या इकट्ठे खड़े होकर हमने तस्वीरें खींची हैं, लेकिन क्या उसने स्टैकिंग किया भाई, क्या बात है। एडिट मैंने किया बट आगे आगे है सर, आगे इसके मुंह पे लाइट मारे। हेलो करो आप यार, मैं कुछ तो बोले सर, कमेंट रूम 104 मुझे ना आसान बुलाता होता है हमेशा रील्स के लिए, मैं मेन करेक्टर हूँ आसान के लिए। क्या बात है, आसान कैमरा जरा घुमा अपनी तरफ। We are brothers. छोटा सा बॉनफायर था, थोड़ी ही देर खड़ा हुआ और फिर वापस रूम की तरफ। स्टार पिक्स और बॉनफायर के बाद हमारा दिन आज कहीं पे ख़त्म होता है और अब हम रात के 1 बजे सोने जा रहे हैं। 7 बजे उठने का प्लान है तो इसलिए हमने रात को भी जल्दी सोने का प्लान बनाया। 2 बजे और आज की स्टोरी यहीं पे ख़त्म करते हैं, अल्लाह हाफिज़। और इसी जगह से हम आज के दिन की शुरुआत करते हैं ग्रेट ऑफ कश्मीर ट्रिप। और इस वक्त हम नाश्ता करने जा रहे हैं। आज भाई मैंने कमरे से निकल के देखा नज़ारा, मैंने कहा यही पहाड़ था रात को, और सनलाइट ऐसे एंगल पे चमक रही थी, मैंने कहा क्या बात है क्या बात है। लेकिन अभी ये तो खैर, ये तो सिंपल से नज़ारे हैं। वी आर होपिंग कि अभी आगे जाएंगे तो इससे भी अच्छे नज़ारे मिलेंगे। उठ जाए आप लोग, उठ जाओ, हम यहाँ पे आके सबसे पहले आके बैठ के नाश्ता करने। इतना पंक्चुअल, इतना पंक्चुअल कभी हुए जिंदगी में? मैं गलती सो गया और रिग्रेट हो रहा अंदर से। वो कहते हैं ना हमेशा लेट कर देता हूँ, आज लग रहा है लेट कर देनी चाहिए। हमेशा लेट कर देता हूँ मैं, बर्गर कहेंगे अब्दुल्ला की। वो आ रही थी अंदर, कल वाला नाश्ता टॉप नहीं हो सकता बट स्टिल लेट्स गो। तू सेक्सी है, कसम से तू सेक्सी है, क्या कर रहा है? बंद हो गई अपने होटल को, अल्लाह हाफिज़ करते जा रहे हैं। अब हम जा रहे हैं कील, लेट्स सी कहाँ पे पहुँचते हैं हम, या हमारा सफर कैसा लिखा हुआ है। अरे हो के इंतजार कर रहे हैं जी सर, फरमाए क्या कहना चाहते हैं। हाँ हाँ, आउटफिट चेक, क्या बात क्या बात। ये प्यारे प्यारे बच्चे बैठ के कुरान पाक पढ़ रहे थे। लेट्स गो, पहली जीप है जो जा रही है, हम जीत रहे हैं, वी आर विनिंग, वी आर विनिंग, यस। आगे जाना तो अलग बात, बट कश्मीर वॉज नॉट कमिंग स्लो। सोचा अब कैमरा बंद करूँ, लेकिन पता नहीं बार बार कैसे ऑन कर लेता था। एक्चुअली में हर सीन ही बहुत खूबसूरत था। फिर हमारे ड्राइवर ने कार रोकी और कहा गाड़ी की छत पे बैठो, और मैं ऑन गॉड सच कह रहा हूँ ट्रिप के पैसे वहीं पूरे हो गए। लेट्स फ्रिगिंग गो। दरमियान में हमारी गाड़ी रुकी, कोई नाम है? हाँ, इस जगह का नाम है ये ब्रिज, ये दंदियाल है, इससे आगे हमने जाना है अब शारदा, शारदा से आगे हमने आबशार है। गाइड की लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट करके बताता हूँ, हमने केल जाना है पर दरमियान में केल वाटरफॉल पे स्टॉप करना है, और थोड़ी ही देर में हम पहुँच गए थे कश्मीर की सबसे खूबसूरत केल वाटरफॉल पे मेरी नजर में।
वाटरफॉल के बाद केल पहुंचे और हमारे गाइड ने हमें कुछ इंस्ट्रक्शंस दी। वो समय आया जाता है जब हमने गोप्रो अपने सर पे माउंट कर लिया और बाकी सारा डोली और हाइकिंग हम जरा पीओवी से करेंगे। थैंक यू सो मच। बेसिकली अब हमें डोली या केबल कार के लिए अपनी बारी का इंतजार करना था, लेकिन रश इतना होके खत्म होने का नाम ना ले रहा हो। अभी हम ये लिफ्ट लेके उस पार जाएंगे, अड़ंग के मतलब केल अड़ंग के। दो पहाड़ों को जोड़ने वाली ये केबल कार एक तरफ का चक्कर सिर्फ 1.5 मिनट में मुकम्मल कर लेती है और व्यू की तो क्या ही बात है यार, क्या बात है। मैं पकड़ माय गॉड। ठीक है, फिलहाल हम अपने बाकी लड़कों का इंतजार कर रहे हैं, हो सकता है वो आ गए हो रेन कोट लेके। दाऊजी हैव रिटर्न, लेट्स गो। सही, कोई मसला नहीं। अब हाइक के दौरान मेरे दोस्तों को जहाँ से मौका मिला इन्होंने अपना ही ट्रैक यूज किया। यार क्या बात है, क्या बात है। सर मैं ये देखिए, मैं भी अपनी व्लॉगिंग कर रहा हूँ। मैं एक व्लॉग में एक और व्लॉग डालने की कोशिश कर रहा हूँ। दहसान यूसुफ। मैं फिर से लगा डर है। सबसे एंड वाला गे है। नहीं, आखिरी पांच ट्रांसजेंडर। आखिरी पांच गे। पहले चार ट्रांसजेंडर है। पहला किंग है और किंग को सारे सलामी देंगे। तू जिम करता साले? भाई मैं नहीं खेल रही है भाई। यार मैं तो गेम हूँ मैं। हमारा किंग जा रहा है। चल यार, किस गंदे बंदे। अल्लाह माफ़ फरमाए तैयार। छोटा तो नहीं है ना? नहीं। तो अबे मैच अजीब बात नहीं, क्या खेत रहा है। सलमान भाई ज्यादा जवानी चढ़ रही है आपको? हाँ जी, हम तो रश कर रहे हैं। इधर कहीं पहुंच गए, कहीं पहुंच गए हम। तुझे लगता है मेरा और जरा जैसा बंदा गिर हम रोक सकते हैं? नहीं, बंदा हाथ मारने की ट्राई करता है ना। यार Guys, we are freaking here on top. अभी हमने मजरी टॉप पे जाना है, वहाँ पे होटल्स पे, लेकिन हमारे भाई के मुताबिक हम पहुँच गए हैं। क्या बात है यार, कितनी प्यारी लग रही है बारिश वैसे। एस्थेटिक के 14s। तू तो बहुत पहले नहीं निकला था। कहो ये लोग, इनको तस्वीरों से जान वो देख, अभी भी खड़े दोनों खेच रहे हैं। हाँ, एक और दरिया का सामना था मुझे जब मैं एक दरिया के पार उतरा। मुझे लगा ये सबसे ऊंची चोटी है, ऊंची चोटी तो वो है। ये बता के केबल कार से? हाँ, ये बैग उठा के लाया हूँ और मेरे कंधों की मत मारी गई है और इसका दूसरा चक्कर था। जूते लेके तो नहीं जाना ना? पड़ी हुई बात। और ये यार कोजी रूम, मैं बुला लेता हूँ उनको। भाइयों उस रूम में आ जाओ। मानो बात बात खोले सर, पर्दा खोले। माहौल बना रहा था। आप मोहल्ला बनाए, आप व्यू दिखाए। मोहम्मद रियान खान। मेरे जूते इतने ग्रिप वाले हैं भी नहीं, सीमेंट है मेरा ख्याल ये। बट लेट्स गो एनीवेज, हियर वी आर होपिंग टू प्ले सम क्रिकेट। वो कह रहे आगे दरख्तों के दरमियान में जगह बनी हुई है। आई होप के बनी हो। ये तो नहीं, इसी को तो नहीं कहा जगह बनी हुई है। कमाल, वो जो कश्मीर जन्नत नज़ीर वो अब है, लिटरल अब है। इससे बगैर, इससे पीछे गर्मी थी और हम पता नहीं क्या कुछ कह रहे थे, लेकिन भाई व्यू चेक करें।
ओके स्टडी 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 एंड लेट्स ये गो। किसी तरह कीचड़ है, हम इस ऊपर चढ़ जाएं जरा चुपके से बॉल उठा रहे हैं। وهو العلي العظيم فبأي آلاء ربكما تكذبان کتھو اصل میں میں پنجابی ہوں مجھے آپ کی زبان سمجھ آ رہی ہے لیکن میں بول نہیں سکتا مطلب میں پنجابی بولوں میں ملتان تو آیا ہوں اذان ہو گیا بھائی مغرب کی نماز کے بعد میں آ گیا تھا اپنے کمرے میں ابھی عشاء سے تھوڑا سا پہلے کا وقت ہے اور کھانا لگ گیا شیرا کھانا لگوا دے شیرا شیرے آپ کا تو گلا خراب ہے شیرا آپ تو کچھ فرمائیں کیا فرماؤں میں کچھ سمجھ نہیں آ رہا سردی لگ رہی ہے آپ کو شیرا بہت سردی لگ رہی ہے ادھر عجیب ہی حساب چل رہا ہے کشمیر میں مظفر آباد میں ملتان سے زیادہ گرمی ادھر اچانک کی سردی بھائی سمجھ نہیں آ رہی کیا کریں او مائی گاڈ یار اچھا جو بھی ہے نا اپارٹ فرام ایوری تھنگ ہنسی ٹھیک ہے اب روٹی کھاؤ کھانا کھا لیا ابھی چائے کا انتظار ہے اور انہیں کارڈز لے کے میں جا رہا ہوں باہر تیے کے بغیر کھیلتے ہیں نہیں نہیں اس کے کارڈ ایسے نظر آ رہے ہیں سارے دس کارڈ ہوئے ہیں دو دو تین چھے سات بس پھر اٹھا رہے چکا ہے نو دس ابے پورا سٹیک ہی دے دیا وہ صحیح کہتا رول چینج کر جیت جاتا جب تو ویڈیو ہی بناتا رہا سکن سے یہ اسکیپ لگا دیا سسیب بھائی نے اس بندے نے کمال کیا اصل ٹائم رائٹ ہو تو لیفٹ ہوا تھا یہ والا یہ اس نے کچن میں دیا ایک جگہ پہ ٹھیک ہے ابھی جاتے ہوئے سیم جگہ سے گزر رہے تھے اندھیرا تھا میں نے کہا حسن نے کہا میں لائٹ جلاتا ہوں میں نے کہا انس پتھر پہ پاؤں رکھی بھائی نے ایک پاؤں ادھر رکھا اگلا پاؤں دوبارہ کیچڑ میں قسم خدا کی اس بندے کی کمال ہے یار برانڈڈ ہے یہ ہم ان ہوٹلس پہ جا رہے ہیں ڈائریکشن یہی کی بتائی تھی ہمیں لگا تھا یہی والے ہیں یہی والے یہاں جا کے بس ذرا سے یہ نہیں ہے یہ ہمیں جگہ نہیں ملے گی کھیلنے کی تو ہم اپنے کمرے میں کھیل رہے ہیں نہیں ہوا آؤٹ آؤٹ لگا اور یہ دو بندے سو رہے ہیں اللہ اکبر اور یہاں پر ختم ہوتا ہے ہمارے ڈے ٹو آئی ہوپ کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو اسٹے ٹیونڈ فار دا ڈے 3 اینڈ ڈے 4 انٹل نیکسٹ ٹائم اللہ حافظ اگر پسند آئی ہو تو لائک شیئر سبسکرائب ضرور کر دینا بہت ایفرٹ لگتی ہے ویڈیوز بنانے میں